मुझे खुशी है कि जो योजनाएं हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके आशीर्वाद से जो योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ पूरे देश में सभी किसानों को हो रहा है और ये बहुत हमारे देश की बहुत बड़ी कड़ी है। अगर आपको याद होगा कि जब 1965 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उन्होंने एक नारा दिया था देश को, जय जवान जय किसान। और वो नारा आज तक जो है देश में गूंज रहा है और उसका तात्पर्य ये है कि जितनी अहमियत, जितना जरूरी एक जवान है अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, उतना ही जरूरी किसान भी है जो देश की समृद्धि के लिए जो है आवश्यक है। तो हमारे देश में किसान का सम्मान है और वो सम्मान जरूरी है, क्योंकि जो आपूर्ति आप पूरे देश के लिए लाते हैं। सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। आज का कार्यक्रम जो है वन डे एक्सपो कम किसान मेला कम सेल्स एग्जीबिशन, ये कार्यक्रम जो है आरकेबीआई एक हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसके तहत किया जाता है। आरकेबीआई का कहा जाता एक कंपोनेंट है, इसके अंदर में हमको किसान मेला आयोजित करना पड़ता है। तो आज का इस मेला में हमारे दो डिस्ट्रिक्ट के SAGs इंडिविजुअल फार्मर्स और FPOs FPCs भाग लिए हैं और बहुत ही जोश के साथ आए हैं। उन लोग भागीदारी लिए इस किसान मेला में भाग लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ा रौनक आज कार्यक्रम का रहा है गवर्नर साहब का विजिट, जो इस कार्यक्रम में आके उन्होंने शामिल होके जो उपदेश बातें कहे हैं वो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक और प्रेरणादायक रहा है। तो हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे जिसमें फार्मर्स और बाकी पब्लिक का एक ये बायर सेलर्स का एक मीट भी है, जिसमें आदान प्रदान होगा, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किया जाता है। एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट्स तो है ही है, इसके ऊपर उनका हैंडलूम प्रोडक्ट्स और बाकी भी जितने भी प्रोडक्ट्स उनके पास है, हॉर्टिकल्चर और बाकी आइटम्स जितने भी है उनके पास, सब यहाँ ले आके डिस्प्ले करके और पब्लिक के साथ में आदान प्रदान और एक एक्सचेंज यहाँ किया जाता है। और इंटरेक्शन आज काफ़ी अच्छा रहा और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे भविष्य में भी। और सबका जोश देख के काफ़ी अच्छा लगा और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी ने सहायता दिया, हमको कोऑपरेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।